हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ जनरल करेक्टर्स ऑफ एनिलिडा। नाउ स्टार्ट टूडेज टॉपिक जनरल करेक्टर्स ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है अर्थवर्म, जिसे हिंदी में हम केंचुआ कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसका एग्जाम्पल लीच, जिसे हम हिरुडिनेरिया भी कहते हैं और जिसे हिंदी में हम जोंक कहते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, नेरीज है। ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे एनिलिडा के एग्जांपल्स हैं। तो आप जब भी इसके जो करैक्टर्स देखेंगे, तो आप जब माइंड के अंदर इन ऑर्गेनिज्म को रखेंगे तो आप इजीली उन करैक्टर्स को समझ पाएंगे और आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले हम देखें मोस्टली एक्वेटिक बर्रोइंग एंड ट्यूबिकुलस, मीन्स ज़्यादातर जो जीव हैं इसके अंदर एक्वेटिक हैं, जलीय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मोस्टली इसमें हमें टेरेस्ट्रियल, मोस्टली कहा है मैंने, सभी जीव नहीं होते। अब अर्थवर्म है, मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलता है। इसी तरह लीच है, वो भी मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलती है। लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिज्म की बात जब करें तो कॉमनली दे आर फाउंड इन वाटर। बरोइंग एंड ट्यूबिकुलस, जनरली बरो या बिलकारी जिन्हें हम कहते हैं, या ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म करके ये रहते हैं। और आपने अर्थवर्म के बारे में सुना ही होगा, अर्थवर्म जो है मिट्टी के अंदर जो है एक बरो बना के रहते हैं। और उसमें क्योंकि बार बार ये बरो बनाते हैं, उसमें मूवमेंट करते हैं, तो जिसकी वजह से जो सॉइल है वो अलटती पलटती रहती है और वो उसकी जो एरेशन होता रहता है। जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या एयर की जो रिक्वायरमेंट, वो एयर उसके अंदर पहुँचती रहती है। तो इसीलिए उन्हें हम जो है कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड माने जाते हैं, जो हमारे किसान हैं फार्मर्स के, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड माने जाते हैं। इसीलिए क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यदि लगातार पानी डालने से जो मिट्टी है वो जो है सेटल होने लगती है। तो ये जो है क्योंकि मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर इनके मूवमेंट्स होते हैं और उन्हीं मूवमेंट्स की वजह से जो है ये आसानी से जो मिट्टी है उसके वो एरेटेड होती रहती है। कॉमनसल एंड पैरासिटिक, इसमें कुछ ऐसे हैं जो सहजीवी के रूप में और परजीवी के रूप में भी रहते हैं। स्वतंत्र जीवी में अर्थवर्म है, वो स्वतंत्र जीवी है। नीरीज है, वो भी स्वतंत्र जीवी है। बट कुछ ऐसे हैं जो कॉमनसल की फॉर्म में, सहजीवी के रूप में और या फिर एक्टोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। इससे पहले मैंने एक टॉपिक जो डिस्कस किया था लीच, तो लीच जो है वो एक्टोपैरासाइट है। तो वो एक्टोपैरासाइट है, मीन्स दूसरे पे डिपेंड है या होस्ट पर डिपेंड करती है फूड के लिए। तो दोनों तरह के हमें जो है फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म और कॉमनसल फॉर्म हमें जो है इनमें देखने को मिलती है। बॉडी इलोंगेटेड बायलेटरली सिमेट्रिकल, सामान्यतः जो बॉडी है वो इलोंगेटेड होती है। अर्थवर्म में आपको पता है उसकी वर्म लाइक बॉडी है, इलोंगेटेड है, और दैट इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल, द्विपाश सममिति होती है। द्विपाश सममिति जिसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो ऑर्गन है उसको यदि लॉन्गिट्यूडनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाए, तो उसे हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो इसके अंदर जो लीच है, नीरीज है, अर्थवर्म है, सभी के अंदर जो है बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। उसके बाद यूसिलोमेट एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यूसिलोमेट ट्रू सिलोम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और ट्रू सिलोम होने के साथ साथ जो है यहाँ पर हमें बॉडी के अंदर जो सेगमेंटेशन है वो भी देखने को मिलता है। आपको पता है अर्थफॉर्म है जिसके अंदर लगभग 120 सेगमेंट्स होते हैं, लीच है उसके अंदर भी जो है 33 सेगमेंट्स होते हैं, इसी तरह नीरीज है उसके अंदर मोर देन 100 सेगमेंट्स होते हैं। तो जो बॉडी सेगमेंटेशन इनके अंदर देखने को मिलता है, और जो सिलोम है वो भी ट्रू सिलोम होता है, और जिसमें सबसे कॉमन है साइजोसिलस सिलोम, जो कि बिल्कुल ट्रू सिलोम है लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा एन सिलोम से थोड़ा सा डिफरेंट है। एन सिलोम के अंदर हम देखें जो सिलोम डेवलप होती है वो स्प्लिटिंग ऑफ मिजोरम से होती है, जबकि यहाँ पर जो है मिजोरम सेल्स ही जो है सेपरेट हो के पूरा एक कवरिंग दोनों साइड लेयर फॉर्म कर देती हैं और सिलोम का डेवलपमेंट करती हैं। तो यहाँ पर कॉमनली जो है साइजोसिलोम देखने को मिलता है, बट एक्सेप्ट इन लीच, लीच के अंदर जो है साइजोसिलोम नहीं होता। दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दिए स्त्री होते हैं, एक्टोडर्म, मिजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं। और जो एक्टोडर्म है उसकी खासियत है वो सिंगल लेयर्ड होती है और एक्सटर्नली कवर्ड बाई क्यूटिकल, और जो कि काइटिन की बनी हुई होती है। इसी तरह यहाँ पर जो बॉडी वॉल है वो देखें हम, वो मस्कुलर होती है, जिसे हम डर्मो मस्कुलर टाइप कहते हैं। वहाँ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं।
सिलोमिक फ्लूड विद सेल्स और कप्सस, जो सिलोमिक फ्लूड है देहगुही द्रव उसके अंदर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है, मीन्स माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है, क्लोज्ड होता है, इसका मतलब यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स का जो है वो डेवलपमेंट हो चुका है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन और यूरिथ्रोक्रोनिन होते हैं, एंड रेस्पिरेशन बाय स्किन, गिल्स और पैरापोडिया एंड हेड, मतलब हमें अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, कुछ के अंदर स्किन से या फिर पैरापोडिया जिनके अंदर होते हैं उन पैरापोडिया के गिल्स पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे नीरीज है, नीरीज के अंदर पैरापोडिया होते हैं तो वहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हेड रीजन जो है वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, श्वसन प्रक्रिया में। एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन के लिए यहाँ नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि सेगमेंटली प्रेजेंट होते हैं, हर सेगमेंट में जो है वो, मतलब हर सेगमेंट में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ दी सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिलोमिक फ्लूड से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और नेफ्रिडियोपोर के द्वारा बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। नर्वस सिस्टम विद ए पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लियन, ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बियरिंग गैंग्लियंस एंड लेटरल नर्व्स। अभी हमने, मैं अभी आगे जब एनिलिडा के अंदर लीच का नर्वस सिस्टम डिस्कस करूँगी तो आपको पता चलेगा सेरिब्रल जो गैंग्लियंस हैं वो दो, मतलब ब्रेन जो है वो दो गैंग्लियंस से मिलकर बनता है, इसीलिए हम उनको कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लियन, और यहाँ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है और यहाँ पर बीच बीच में जो है इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे जो है गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं जिनसे लेटरल नर्व्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाती हुई दिखाई देती हैं। दे आर मोनेसियस और डायोसियस, मीन्स हर्मेफ्रोडाइट या हम कहें द्विलिंगी और एकलिंगी दोनों ही प्रकार के होते हैं। द्विलिंगी मीन्स जहाँ सेक्स, बोथ सेक्स और बोथ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, मीन्स अर्थवॉर्म ही इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। यहाँ जो है दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो सिंगल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और डायोसिस का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गन, मीन्स मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। नीरीज इसका एग्जाम्पल है, नीरीज के अंदर जो है मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का देखने को मिलता है, विकास जो है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। यदि अप्रत्यक्ष है तो वहाँ ट्रोकोफोर लार्वा हमें देखने को मिलता है। लोकोमोटरी ऑर्गन सीटी और चीटी प्रेजेंट कॉमनली, जो लोकोमोटरी ऑर्गन है जिनकी सहायता से गमन करते हैं उन्हें हम हिंदी में शूक बोलते हैं, वो यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी के अंदर देखने को नहीं मिलते, मोस्ट ऑफ दी ऑर्गन के अंदर देखने को मिलते हैं। लीच है, लीच के अंदर जो है ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन अर्थवर्म नीरीज दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सीटी जो है वो कॉमनली प्रेजेंट होती है लेकिन कहीं कहीं एब्सेंट भी होती हैं। इसके अलावा हम देखें तो इसके अंदर हमें कॉमनली रीजनरेशन भी देखने को मिलता है, लेकिन रीजनरेशन जो है जैसे हमने प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर देखा था कि प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर हम जो डुगेशिया है यदि उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, चाहे लॉन्गिट्यूडनली चाहे हम उसे ट्रांसवर्सली कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दें वो कम्प्लीट ऑर्गन को फॉर्म कर लेता है। लेकिन थोड़ा सा चेंज ये होता है कि एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड की तरफ हम जाते हैं तो रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है, मीन्स जो एंटीरियर साइड है वो जल्दी और लगभग पूरा कंप्लीट ऑर्गन को फॉर्म कर सकता है, लेकिन यदि पोस्टीरियर पार्ट है तो वो कंप्लीट ऑर्गन को तो फॉर्म करेगा लेकिन वो लेस डेवलप्ड होगा, स्मॉल इन साइज होगा। तो इसी तरह यहाँ अर्थवर्म के अंदर भी है कि अर्थवर्म है या एनिलिड्स की बात करें तो वहाँ भी जो है हमें रीजनरेशन तो देखने को मिलता है, लेकिन जो रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है, पुनरुद्धोन की जो क्षमता है, वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर टू डिक्रीज होती चली जाती है। मीन्स यदि अर्थवर्म का पिछला पार्ट सेपरेट, कुछ 10-20 सेगमेंट्स यदि सेपरेट हो जाते हैं बॉडी से, तो जो एंटीरियर पार्ट है वो तो पिछले पार्ट को इजीली फॉर्म कर लेगा, लेकिन जो पोस्टीरियर रीजन जो सेपरेट हुआ है वो एंटीरियर रीजन को प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएगा, वो मतलब डेवलप तो करेगा बट प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, मीन्स बहुत शॉर्ट जो है ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से इनके अंदर रीजनरेशन भी देखने को मिलता है। और कुछ सेंस ऑर्गन्स भी टैक्टाइल इन नेचर होते हैं,
वो प्रेजेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे जनरल करेक्टर्स ऑफ एनिलिडा, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।